नमस्कार, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। सीएम की अपील, संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, 3000 से ज्यादा संक्रमित आज हुआ है, यह संकट का समय है, महासंक्रमण का दौर है, पड़ोसी राज्यों में स्थिति बहुत संकटपूर्ण है, कोरोना को साथ मिलकर ही हराया जा सकता है, सिर्फ सरकार के प्रयास काफी नहीं, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, हर जिले की समीक्षा की है, छत्तीसगढ़ से आने जाने पर प्रतिबंध लगेगा, महाराष्ट्र सीमा सील है, अनावश्यक रूप से इन राज्यों में न जाए, बहुत जरूरी हो तभी जाए, संक्रमित राज्यों से आने वालों की होगी जांच। भोपाल से आदिल खान की रिपोर्ट। के तौर पर वैक्सीनेशन को लिया, कई जिलों ने बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए और पूरी ताकत से जुटे, लेकिन आगे वैक्सीन की कमी नहीं आएगी। भारत सरकार से डोजेज लगातार हमको मिलेंगे, जितनी संभावना थी उससे भी ज़्यादा वैक्सीनेशन, कई जिलों ने तो 150-200% वैक्सीनेशन कर दिया, वो ज़रूरी भी है, लेकिन अब आगे डोजेज मिलते रहेंगे। एक्टिव केसेस बढ़ते जा रहे हैं कोविड से, मैंने वही बताया कि बढ़ रहे हैं एक्टिव, और इसलिए कई जगह हमने कोविड केयर सेंटर खोलने का फैसला किया है। अस्पताल अलग अलग जगह फैसला, जहाँ जैसी स्थिति है फैसला हुए हैं उसकी जानकारी दे दी जाएगी, जहाँ आवश्यक है वहाँ कोविड केयर सेंटर हम इसलिए भी खोलेंगे कि होम आइसोलेशन में कई बार सबके साथ बैठ जाता है पेशेंट पॉजिटिव, और ऐसे में जरूरी हो जाता है कि होम आइसोलेशन की मॉनिटरिंग ठीक ढंग से हो, और अगर ऐसा संभव नहीं है तो उनको कोविड केयर सेंटर में ले जाएं ताकि वो अलग रह सकें और परिवार सुरक्षित बच सके। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।